Dear students, welcome to Help TV. In previous lecture, I have discussed the basic concept of the AC through RL circuit. To understand more examples of the and to solve the problems of the RL circuit, in this lecture I will discuss the basic and simple example of the AC through RL circuits. और आर सी सर्किट्स ओके सॉरी इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे आर सी सर्किट की, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारे पास जो बेसिक गिवन डेटा है ना, वो ये है. हमारे पास आर गिवन है, एक्स गिवन है, आई गिवन है और करंट गिवन है हमारे पास, ठीक है? और हमने फाइंड करना है पावर फैक्टर, पावर सप्लाई वोल्टेज वी सी वी आर और एक्टिव एंड रिएक्टिव वोल्टेज पावर, ठीक है? इन सब के फार्मूलाज हमने ड्राइव किया हैं. इन उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आरसी सर्किट के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास हमें पता है कि जो जी होती है वो हमारे पास है आर माइनस जे एक्स सी. कैलकुलेशन में आपको नहीं करवाऊंगा, कैलकुलेटर से मैं आपको बता दूंगा. मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा जो मैंने सॉल्व करके निकाली हुई है, ठीक है? तो आर माइनस जे एक्स सी, आर की वैल्यू हमारे पास है माइनस जे एक्स सी की वह. जब इसको हम फेजर फॉर्म में लेके जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू इसकी आएगी 277.08 इनटू माइनस 358, ठीक है? ये जी की वैल्यू आ गई. अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, वो इसमें से हमें पता चल गया फाई. फाई हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, माइनस 64.358, ये फाई आ गया हमारे पास, ठीक है? अब इससे हमारे पास एक चीज़ आसान हो गई. पहली चीज़ कि हमने पावर फैक्टर फाइंड करना है, उसके लिए हमें डेटा मिल गया. अब सबसे पहले पार्ट में हमने पावर फैक्टर फाइंड करना है, तो पावर फैक्टर के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था पिछले लेक्चर में कि पावर कितनी टाइप्स की होती हैं और उन पावर में पावर फैक्टर क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए और ये इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया था. और ये मैंने आपको बताया था कि एसी सिस्टम्स में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है? अब हमारे पास पावर फैक्टर, हमारे पास क्या होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू कॉज ऑफ फाई. तो कॉज ऑफ फाई हमारे पास क्या है, माइनस 64.358. तो ये क्या आ जाएगा, अब देखें कॉज की वजह से नेगेटिव साइन को, क्योंकि कॉज ख़त्म कर देता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 0.43 27. ये कैलकुलेटर में आपने डालना है, सिंपल वैल्यू आएगी, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ठीक है? ये पहला हमारे पास काम हो गया. अब सेकंड हमारे पास क्या था, पावर सप्लाई. तो ये होती है हमारे पास वी मल्टीप्लाई बाय जी. आई हमारे पास क्या है, 0.9 मल्टीप्लाई बाय जी हमारे पास क्या है, 277.08 टाइम्स माइनस 64.358. इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 249.57 टाइम्स माइनस 64.358, ये इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है? ये सिंपल कैलकुलेशन है. जब हम 0.9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया. अब थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या होगा, थर्ड पार्ट में हमारे पास है वी सी और वी आर हमने फाइंड करने हैं. तो वी सी वी आर तो मैंने आपको बताया था कि आसान है, वो होता है आई मल्टीप्लाई बाई आर. आई हमारे पास क्या है, 0.9 मल्टीप्लाई आर, हमारे आर है 120, तो ये आ जाता है 108 वोल्ट्स, ठीक है? अब सेकेंड पार्ट हमारे पास है वी सी. वी सी हमें पता क्या होता है, आई मल्टीप्लाई बाई एक्स सी. तो वी सी आई 0.9 मल्टीप्लाई बाई 250, तो कितना आ गया, 225 वोल्ट, ठीक है? ये हमारे पास सेकेंड पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट. और अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है. फोर्थ पार्ट में क्या फाइंड करना है, एक्टिव और रिएक्टिव पावर फाइंड करनी है. एक्टिव पावर कौन सी थी, रिएक्टिव पावर कौन सी थी, ये मैंने आपको
डिटेल में डिस्कस किया था मैंने आपके साथ, ठीक है, कि जो यूजफुल पावर होती है उसको हम कहेंगे एक्टिव पावर, जो यूजफुल पावर नहीं होती उसको हम कहेंगे रिएक्टिव पावर, जो कि वेस्ट हो जाती है उसको रिएक्टिव पावर कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास रिएक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर, वी आई कॉज ऑफ फाई। अब हमारे साथ वी भी है, आई भी है, फाई भी है। अब कॉज ऑफ फाई हमारे पास क्या है, ये कॉज ऑफ फाई हमने अभी फाइंड किया 0.43, तो वी हमारे, आई हमारे पास क्या है 0.9 मल्टीप्लाई बाय वी हमारे पास है 249. ये वाला है जी, ये 249.57 मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ फाई, हमने वैल्यू क्या फाइंड की थी, किधर कॉज पावर फैक्टर, पावर फैक्टर की वैल्यू 0.43, इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी होती है एक्टिव पावर, सॉरी इसको ये रिएक्टिव पावर होगी, ये एक्टिव पावर होगी और ये रिएक्टिव पावर होगी, रिएक्टिव पावर वी आई साइन ऑफ फाई। अब यहाँ पे सेम होगा ये फाइव सेवन मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ फाई की वैल्यू ये वाली है -64.358, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको -202.498, ठीक है। एक्टिव पावर भी हमने फाइंड कर ली, रिएक्टिव पावर भी हमने फाइंड कर ली, और पावर सप्लाई, पावर फैक्टर, ये सारी चीज़ें फाइंड कर ली जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो हमने आरसी सर्किट को बेसिक एग्जांपल से समझाया इस लेक्चर में, ठीक है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल करें, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे नए नए लेक्चर्स की अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको नई नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।